नमस्कार, नववर्ष की शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं संदीप तिवारी टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आया आप सभी का चैनल है, आप सभी का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप हमसे जुड़ते हैं और हमारी तमाम सारी उन सारी प्रक्रियाओं में भागीदार बनते हैं जिसमें हम लोग आपके लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। आज की वही स्थिति है। पहली चीज तो मैं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको मंगल कामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, रवि सर की तरफ से, आलोक सर की तरफ से, संस्थान के तभी सभी टीम मेंबर्स की तरफ से जो हमारे साथ पर्दे के सामने होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं। आप सभी, हम सभी एक दूसरे के बहुत पूरक हैं। हम हैं, आप हैं, आप हैं तभी हम हैं। इस वजह से इस शुभकामनाओं के साथ नए साल की शुरुआत की जा रही है। बीईओ 2020 का ये जो पेपर है या जो योजना है जो गवर्नमेंट के थ्रू हमको मिली हुई है, इस पर हम लोग काम करने के लिए तटस्थ हैं और इस पर संस्थान आपको लगातार अपने तमाम विषय विशेषज्ञों के थ्रू अपने अपने विषयों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहा है। आलोक सर ने इस बैच की सूचना योजना आपको बता दी है और रवि सर का निर्देशन इस बैच को उसी तरह से जैसा कि सभी सभी बैचेस आपके लगातार जिसमें आप सभी लोग साक्षी रहे हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पर उसके निर्वाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी मैथ विषय के साथ एक बार फिर आपके साथ हूँ। मैथ विषय में हमने आपको एक दो लेक्चर के माध्यम से मैथ की पूरी रूपरेखा को समझाया, मैथ की शुरुआत करी, मैथ की उसी शुरुआत को हम आगे का रूप देने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के माध्यम से। हम यहाँ पर आज आपको पिछली क्लास से पूरी तरह से रिलेट करेंगे। हम आपको पिछले पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करवाएंगे जो आगामी परीक्षा का एक पार्ट होगा, जो आगामी परीक्षा की एक रूपरेखा होगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया था स्टार्टिंग में पहले लेक्चर के माध्यम से कि हम लोग जब भी कभी कोई प्रिपरेशन करेंगे तो हम उस तरह के ही टर्म को डिस्कस करेंगे जैसा उस पर्टिकुलर परीक्षा की एक रिक्वायरमेंट होती है। हम उसी की जरूरत के हिसाब से काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी पूरी टीम इसी तरह से काम करने के लिए आपके साथ तटस्थ रहेगी। मैंने आपको नंबर सिस्टम, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से पता है कि थ्योरेटिकल टर्म जहां पे कंसेप्चुअल अप्रोच होता है उसका यूज भरपूर होता है, न्यूमेरिकल्स यूज करे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स की भी उतनी उपयोगिता होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल फैक्ट होते हैं जिस पर कहीं भी कभी हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और ऐसे प्रश्नों को हम कर नहीं पाते हैं। मैंने इसी के साथ, क्योंकि हमने बताया आपको कि चाहे आप किसी भी प्रकार की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आपको उसके फाउंडेशन को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, उसके बेसिक फैक्ट को समझने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने जो शुरुआत करी मैथ के एकदम स्टार्टिंग पहले अध्याय से करी, मैंने आपको नंबर्स के बारे में जानकारी पिछले लेक्चर्स में दिया। आज हम उसी लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के साथ कर रहे हैं जहां से मैंने पिछली क्लास में एंड अप किया था। आपको अगर याद होगा, आप लोगों ने जितने लोगों ने पिछली क्लास को यहाँ पर देखा है यहीं पर मैंने समाप्त किया था और आज आपके सामने यही टॉपिक फिर से स्टार्ट हो रहा है और इसी पर हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग होगी, परीक्षा पर आधारित होगी टोटली, और साथ साथ इसके जितने भी पुराने, जितने भी छुपे फैक्ट है, जितने भी गहराई के फैक्ट है उनको पूरी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर एक गंभीरता का विषय होगा, आप सबसे हम उसी गंभीरता की उम्मीद करेंगे, उसी सहयोग, उसी अपेक्षाओं की उम्मीद करेंगे जो कि आप लोग हमेशा लगातार हर क्लासेस के माध्यम से हमें देते आए हैं। हम आपके सहयोग की पूरी कामना करते हैं, इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था उसके थोड़ी सी यहाँ पर परिचर्चा किया जाए कि हमने आपको समझाया कि हम लोग जिस प्रकार की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उस मैथमेटिक्स में वर्ल्ड वाइड डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, दशमलविक संख्या प्रणाली को पढ़ा और समझा जाता है। उस प्रणाली के अंतर्गत अगर हम संख्याओं की बात करें, संख्याओं के वर्गीकरण की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक प्रकार की संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, और इस शब्द से वो लोग जिन्होंने मैथ बैकग्राउंड रखा है 12th क्लास में उन्होंने अच्छी तरह से, उनको अच्छी तरह से इस बारे में जानकारी होगी। आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पर सम्मिश्र संख्या था, जिसको नहीं पता उनको बहुत कंफ्यूज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने मैथ नहीं रखा है बैकग्राउंड में उनको भी इस तरह की बहुत, मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि मैथ वहां पर हमने नहीं पढ़ा तो मेरा कुछ छूट जाएगा, उनके लिए भी उसी प्रकार की सारी बातें रहेंगी, उसी प्रकार का सारा अप्रोच रहेगा, क्योंकि आपके लेवल का ही चीजें पढ़ना होता है आपको। तो आपके अपने लेवल के हिसाब से अगर आप सिलेबस की बात करें तो आपको साफ साफ लिखा है 10th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब आपको परेशान होने की बात नहीं कि मैंने कह दिया कि 11 में जिन्होंने पढ़ा है, 12 में जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छा कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम करें, हमने कहा सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहा जाता है, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग की बात करें तो हम कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। यह सभी प्रकार की संख्याओं का संग्रह होता है जिसका प्रयोग हम तमाम प्रकार के कैलकुलेशन के दौरान, तमाम प्रकार के प्रश्नों के डेवलपमेंट के दौरान, उनके आंसर के दौरान प्रयोग में लाते हैं।
अगर हम दूसरे प्रकार की संख्या की बात करें जिसको हम काल्पनिक संख्या या तो इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसका भी एक अपना एक सिस्टम होता है जो कि मैंने पिछली क्लास के माध्यम से आपको डिटेल जानकारी में दिया है। दूसरी बात अगर हम करें कि तो हम वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, एक आपकी रैशनल नंबर, दूसरा इरैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं के बारे में भी जानकारी आपको दिया गया है कि संख्याओं का भिन्न स्वरूप, जहां पर हर का मान शून्य नहीं होता है वह सभी संख्याएं परिमेय होती है। जो संख्याएं पूर्णतः कटती नहीं है और ना तो आवर्ती होती वह संख्याएं आपकी अपरिमेय होती है, जिसकी जानकारी हमने पिछली क्लास में आपको अच्छे से दिया है। परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्णांक, दूसरा आपकी भिन्न संख्या। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही दो संख्याओं को लेते हैं जो पूर्णांक में होते हैं, जिनके अंत में दशमलव के बाद शून्य लगा होता है, जिनके भिन्न के हर में एक होता है, अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि एक के बाद दो की बात करें, दो की बाद तीन की बात करें, इधर माइनस वन के पहले माइनस टू की बात करें, माइनस थ्री की बात करें, तो उस प्रकार का कलेक्शन आपका पूर्णांक कहलाता है जीरो के साथ। बट अगर हम बीच बीच के पूर्णांक की बात करें, जैसे दो पूर्णांकों के बीच की बात करें, तो हमेशा आप जो भिन्न संख्याएं प्राप्त करते हैं। तो भिन्न संख्याएं आपकी फ्रैक्शनल नंबर होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इंटीजर की बात करो तो तीन कैटेगरी फिर उनकी बन जाती है, आपका नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव बनता है, जीरो बनता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो की बात करें तो जीरो हमारे पास वह संख्या होती है जो कि न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यह केवल बैलेंस बनाने के लिए यूज की जाती है, लेकिन कई प्रकार के कैलकुलेशन में, कई प्रकार की प्रॉपर्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपको समझना है हर एक पहलू को। जीरो के अगर जो राइट साइड में हम बढ़ेंगे, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ अगर शुरू करके हम चले तो संख्याएं आपकी होल नंबर कहलाती है, जिसको डब्ल्यू कहते हैं। संख्याएं एक को छोड़कर अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो नेचुरल कहलाती है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक को छोड़ करके अगर हम काउंट करते हैं, उन संख्याओं की बात करें जो किसी से ना कटती हो, अपने और एक के अलावा, मतलब इनके पास केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं आपकी अभाज्य कहलाती हैं। जबकि जो कम से कम अपने और एक के अलावा किसी एक संख्या से भी कट जाए, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यह संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती है, जो चार प्रकार की कैटेगरी हमने आपको दिया है, हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है। बट दो अन्य प्रकार की भी संख्याएं हमारे पास होती हैं, जैसे आपको यहाँ पर इवन नंबर नजर आ रहा है और यहाँ पर ऑड नंबर नजर आ रहा है, मतलब सम और विषम संख्याओं की बात भी की जा रही है। सम और विषम की जानकारी मैं आपको दे दूं तो ना तो केवल पॉजिटिव में रहते हैं, ना तो केवल नेगेटिव में रहते हैं, इसलिए मैंने उसका अलग यहाँ पर एक सिस्टम बना रखा है। और उस जगह पर अगर वह संख्या रहती है तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में रहती है, मतलब दोनों हो सकती है। अगर मैं सम की बात करूंगा तो मैं उन संख्याओं की बात करूंगा जो कि दो से पूर्णतः कट जाती है। अगर वह दो से पूर्णतः कटती है, इसका मतलब वह किसी संख्या की हम बात कर रहे हैं जिस संख्या के अंत में शून्य आता है, दो आता है, चार आता है, छह आता है, आठ आता है, वह सम होता है। चाहे वह ऋण हो, चाहे वह धन संख्या हो, दोनों प्रकार की संख्याओं की बात की जा रही है, क्योंकि संख्याओं की प्रकृति दो होती है, संख्याओं का नेचर ही दो होता है, या तो धनात्मक होती है या तो ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जैसे दो के एंडिंग, चार के एंडिंग, छह की एंडिंग, आठ की एंडिंग की बात कर रहे हैं, शून्य की एंडिंग की बात कर रहे हैं सम, इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के अंत में एक, तीन, पांच, सात या नौ आता है, वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। मैंने यह थोड़ी सी जानकारी प्रीवियस क्लास को देखते हुए दी है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग, अगर जितने लोगों ने पिछली क्लास को नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाकर के पिछली क्लास को पढ़ें, समझें, तब जाकर के इस क्लास को कंटिन्यू करें, तो आपको इन सब चीजों को बहुत ही अच्छा एक फर्क पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे के टॉपिक पर डिस्कशन करता हूं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात। जैसे कि मैं यहां पर आपको इतनी जानकारी देने के बाद इतना उम्मीद कर रहा हूं कि काफी हद तक बातें आप समझ पा रहे होंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस रूपरेखा के माध्यम से आप कई सारे पहलुओं को अच्छी तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं। जैसे मैं अगर किसी से कहूं कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो आप कह दीजिए सर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह जो वास्तविक संख्याएं होती है वह परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, इसलिए हम केवल परिमेय की कैटेगरी में नहीं रह सकते। जबकि अगर मैं कह दूं क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है, बिल्कुल होती है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है, यस होती है, लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न भी होती है और पूर्णांक भी होती है। मैंने कहा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती है, आप कह दीजिए बिल्कुल नहीं होती सर, क्योंकि इसमें शून्य भी लगा होता है। जबकि अगर मैं प्राकृतिक की बात करूंगा तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि यहां पर शुरुआत एक से की जाती है। हमारे कहने का अर्थ यही था कि जब भी आपने ऊपर से नीचे के स्ट्रक्चर को रीड किया, पढ़ा, तो यहां पर एक कैटेगरी नजर आई, एक रिलेशनशिप समझ में आया। उस रिलेशनशिप के तहत हम कह सकते हैं अगर हम संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ एनालाइज कर रहे हैं, संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ एनालाइज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला नीचे को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है।
जबकि नीचे वाला ऊपर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। यह एक बहुत बड़ा फैक्ट नजर आ रहा है हमको। इस पर आधारित कई सारी बातें हो सकती हैं, कई सारे प्रश्न इससे संबंधित बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप इन पहलुओं को, इन फैक्ट्स को अच्छी तरह से एनालाइज करिए, रीड करिए, पढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मैं इस चीज को लेकर के कुछ और फैक्ट्स आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ और पहलू की बात मैं आप लोगों से करूंगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। कुछ फैक्ट्स की बात की जा रही है। सबसे पहले फैक्ट्स की मैं बात करूं तो एक नजर आया, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, आइडेंटिटी नंबर होता है, जीरो और एक की बात की जाए। अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो जीरो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मतलब किसी संख्या में जीरो से जुड़कर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अच्छी तरह से पता है। उसी प्रकार से वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, गुणात्मक प्रतिलोम होती है, मतलब किसी संख्या को अगर हम एक से गुणा करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है, चाहे एक की बात करें चाहे जीरो की बात करिए। अब एक की बात हम लोग थोड़ा सा यहां पर करेंगे, हम कहेंगे एक जो है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। किसी ने गलती से कभी कभी, क्योंकि यह प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि एक के बारे में आप मुझे जानकारी, मतलब ऐसे पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य क्या है, तो कुछ लोग गलती से एक लगा देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए, मैंने पिछली क्लास में इस बारे में डिस्कशन किया था और अभी भी मैं यही कहूंगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, अर्थात दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे टेट एग्जाम में देखे होंगे आप लोग, चाहे जो है यहाँ पर आप बीईओ के खासकर इसके बारे में हम बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है कि दो सबसे छोटा, हालांकि है बड़ा कॉमन, आप सब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे बातों को, लेकिन मैं उनके लिए बताना देना जरूरी समझूंगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। और एक जानकारी यहाँ देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो ही एक ऐसी संख्या है, दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि दो प्रकार से बिहेव करती है, मतलब वह सम संख्या भी होती है साथ साथ वह अभाज्य संख्या भी होती है। सम संख्या भी होती है साथ साथ वह अभाज्य संख्या भी होती है, सम प्लस अभाज्य होती है, मतलब सम संख्या के साथ साथ वह अभाज्य संख्या भी होती है, मतलब वह दो से पूर्णता, मतलब दो से तो कट ही रही है अगर देखा जाए। अभाज्य का अर्थ होती है दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से कंट्राडिक्ट है। सम का नाम आते ही यह बात समझ में आती है दो से कट जाएगा, मतलब कटने की बात आती है। अभाज्य का नाम आते ही दिमाग में, जेहन में यह बात आती है किसी से न कटेगा, तो अभाज्य तो न कटने का पर्याय है जबकि सम कटने का पर्याय है, लेकिन शुरुआत अभाज्य की सम से ही होती है। अभाज्य की शुरुआत दो से होती है, मतलब एक सम संख्या से होती है। तो आप एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट करके चल रहे हैं कि दो सबसे छोटी सम संख्या और सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या साथ साथ एक ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर मैं दो को छोड़ दूं, अगला पॉइंट यहां पर आप देखेंगे, दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी अभाज्य जो होते हैं, सभी अभाज्य जो होते हैं वह आपके विषम संख्या होती है। दो को अगर छोड़ दें तो आप सभी अभाज्य संख्याओं को एक विषम संख्या कहते हैं, इसमें कोई डाउट हमें कंफ्यूजन नहीं है। दो को छोड़ने के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं नजर आएंगी, तीन आएगा, पांच आएगा, सात आएगा, ग्यारह आएगा, जितनी भी संख्याएं आएंगी सब विषम होंगी। परंतु मैं कह दूं कि सभी विषम अभाज्य नहीं होते हैं, सभी विषम अभाज्य नहीं होते हैं, बात भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे ही कोई विषम संख्या देखिए, मैंने कहा कि अगर 9 को ले लीजिए, आप 15 को ले लीजिए, आप 21 को ले लीजिए, देखिए सब विषम संख्याएं हैं। लेकिन 9 की भी बात करिए तो 1 और 9 के अलावा भी 3 से कट रहा है, 15 की बात करिए तो 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 और 15 से तो कटेगा ही कटेगा। मतलब ये संख्याएं ऐसी हैं जो खुद और 1 के अलावा भी अन्य किसी से कट रही है, इसलिए इन संख्याओं को भले विषम कह रहे हैं लेकिन अभाज्य नहीं कह सकते हैं। परंतु मैंने बता दिया अगर दो को छोड़ दिया जाए तो सभी अभाज्य को हम विषम कह सकते हैं। यह बात आपको यहां पर गंभीरता से लेकर के इस तरह के रिलेशन को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, इस तरह की बातों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अभाज्य संख्याओं के बहुत सारे अप्रोच होते हैं। अगर नंबर सिस्टम में देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं की बड़ी एक वैल्यू होती है, बड़ा एक सिस्टम होता है। मैं उन्हीं में से कुछ चीजें फेच कर रहा हूं, कुछ चीजें निकाल, मैं पूरी चीजें नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो कि अभाज्य संख्याओं की एक बड़ी वैल्यू को, बड़ी रूपरेखा को दर्शाते हैं। हालांकि इसका इंडिकेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको किया था, मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याओं की एक अन्य कैटेगरी बनाई जा सकती है, जो कैटेगरी तीन रूपों में अभाज्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वो तीन रूप देखिए आपके क्या क्या है।
ये देखिए लिखा है, मैंने आपको पहले से बता रखा था कि अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर और जानकारी आपको रखना है तो आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि वह संख्याएं अभाज्य अगर है तो रिलेटिव प्राइम के नंबर में, मतलब हम अभाज्य संख्याओं की एक कैटेगरी के रूप में रिलेटिव प्राइम नंबर को ले सकते हैं, जिसको सापेक्षित या आपेक्षित अभाज्य संख्या कहा जाता है। को प्राइम नंबर ले सकते हैं, जिसको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, खासकर आप अवेयर होंगे सह अभाज्य के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर, जिसको आप जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इसके बारे में भी आप अवेयर होंगे। मतलब यह तीन रूप और अभाज्य का बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही फैक्टफुल होता है और इस रूप की गंभीरता को हमें समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको प्रयास करूंगा कि इस सारी बातों को आप समझिए और समझ करके इससे संबंधित टर्म को पूरी तरह से एनालाइज करिए और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिए। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या बातें होती है, इनके रिलेशंस को भी समझाता हूँ कि किस तरह से आपस में रिलेटेड है। मैं यहाँ पर सबसे पहले रिलेटिव प्राइम की बात करूंगा। तो रिलेटिव प्राइम में मैं कह दूं, ऐसी किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी पेयर ऑफ अ प्राइम, पेयर ऑफ अ नंबर, आप ऐसे कह दीजिए कि पेयर ऑफ अ नंबर ऑफ एनी टाइम्स किसी भी प्रकार की दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन पेयर पेयर इवन हो, मतलब उनका जो एचसीएफ हो वन हो। आपसे ऐसे ध्यान देना है कि ऐसी किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, वह रिलेटिव प्राइम होती है, वह सापेक्षित अभाज्य संख्या होती है। यहां पर बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं उस बात को मैं फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि यही एक फैक्ट है जो आपको अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। मैं यहां पर कहीं पर सब अभाज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसी किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, मतलब वह पूरी तरह से एक दूसरे से कटते ना हो। कहीं कहीं दिमाग में लोग के उभयनिष्ठ गुणनखंड की भी बात आती है, जैसे कभी कभी कोई आप भिन्न एक लिखते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 15/24 है, यह भिन्न सरलतम रूप नहीं होता है, नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि एक संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों को पूरी तरह से फैक्टराइज कर सकेगा, काट सकेगा, वह है 3। 3 5 बार 15 होता है, 3 8 बार 24 होता है। अब जो 5 और 8 बनेगा, वह ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा बन गया जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, मतलब कोई और अब इनको काट नहीं सकता फर्दर। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। तब तक हम काट सकते थे जब तक उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ और है एक के अलावा। तो मैं आपको कह रहा हूं ऐसी कोई भी दो संख्या आप इसको भी ले सकते हैं, ऐसी कोई भी दो संख्या ले लीजिए जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, मतलब कोई ना हो एक के अलावा, कोई और काट ना सके, तो वह संख्याओं का जोड़ा रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है, सापेक्षित अभाज्य संख्या कहलाता है, आपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाता है। दूसरी बात, अगर वही संख्याएं जो जोड़े में जो संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर हो, अगर वह जोड़े की संख्याएं प्राइम नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्या हो, जैसे मेरी बात को यहां समझना, यहां पर आप किसी भी संख्या को जैसे 5 और 8 को आप लेकर के दिखाइए तो 5 और 8 एक रिलेटिव प्राइम बना सकते हैं। बट आप सोचिए 5 तो प्राइम नंबर है, क्या 8 प्राइम नंबर है? नहीं, 8 प्राइम नंबर नहीं। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया है ऐसी किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ा, चाहे वो प्राइम हो चाहे प्राइम ना हो। जैसे हम कहते हैं 1 और 2, हम बात करें जैसे 1 और 2 की, अब सोचिए 1 2 तो प्राइम है, बट क्या 1 प्राइम है? नहीं, लेकिन हम इनको रिलेटिव प्राइम कह सकते हैं, इनको रिलेटिव प्राइम हम कह सकते हैं, इनको आपेक्षित अभाज्य संख्या कह सकते हैं, एक दूसरे से कटने वाली संख्या नहीं है ये, चाहे प्राइम हो चाहे प्राइम ना हो, रिलेटिव प्राइम तो हो गए। बट अगर वह संख्याएं प्राइम हो जाए, वह संख्याएं प्राइम हो जाए तो उसको हम रिलेटिव प्राइम नहीं कहेंगे, या हम उसको इस समय को प्राइम कहेंगे। अगर वह दोनों संख्याएं जिनके बीच, वैसे भी आपको पता है अगर 2 प्राइम नंबर लेंगे तो प्राइम नंबर तो किसी से कटती नहीं है, अगर 2 प्राइम नंबर लेंगे तो 100% तो दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा को प्राइम नंबर कहलाता है, या सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का पेयर या जोड़ा कह सकते हैं, संख्याओं का जोड़ा आपका को प्राइम होता है। याद रखना है सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, चाहे आप 2 और 3 ले रहे हैं, चाहे 3 और 7 ले रहे हैं, चाहे आप 7 और 5 ले रहे हैं, चाहे 5 और 17 ले रहे हैं, 5 और 11 ले रहे हैं, आप किन्हीं भी 2 संख्याओं को ऐसे ले लीजिए जो कि अभाज्य संख्या है, वो को प्राइम नंबर कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। सह अभाज्य संख्या के बारे में ऐसे समझना है
कि उन रिलेटिव प्राइम को, उन सह उन सापेक्षित अभाज्य संख्या को, को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या कहते हैं, जिनमें पेयर में मौजूद दोनों संख्याएं अभाज्य हो, जबकि सापेक्षित में ऐसा कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वो कहता है ठीक है जो भी आए बस उभयनिष्ठ गुणनखंड ना रहे, इसलिए उसने दो एक को भी एक्सेप्ट किया, पांच आठ को भी एक्सेप्ट किया, बट हम पांच आठ को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं क्योंकि पांच भले प्राइम होता है आठ प्राइम नहीं होता है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। फिर यहां पर जैसे जो कोई भी आप जोड़ा ले सकते हैं को प्राइम में, बट समस्या तब होगी जब ट्विन प्राइम पढ़ेंगे। तो ट्विन प्राइम कहता है मुझे ऐसी अभाज्य संख्या लेना है, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा लेना है, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिनका अंतर दो का हो। जैसे तीन और पांच है, सोचिए अभाज्य तो है लेकिन अंतर बताएं दो का है, पांच और सात का हो, ग्यारह तेरह का हो, सत्रह उन्नीस का। देखिए सब में अंतर कितने का है, दो का। अब यह जो पेयर बने, यह पेयर रिलेट को प्राइम तो है ही है लेकिन साथ साथ क्योंकि सभी के बीच का अंतर दो का है, मतलब एक स्पेशल नेचर इनके साथ बनकर आ रहा है, सभी का अंतर दो का है, इसलिए इन सभी संख्याओं के जोड़े को हम ट्विन प्राइम कहेंगे। यहां से काफी कुछ स्पष्ट भी होता है, काफी कुछ क्लियर भी होता है। मैं आपको अभी एक एक करके कंफर्म करता हूं क्या क्या स्पष्ट होता है, क्या क्या हम क्लियर कर पा रहे हैं यहां पर। जैसे मैंने कहा सभी रिलेटिव प्राइम, वह सभी मतलब कोई भी जोड़े हो सकते हैं, कोई भी संख्याएं हो सकती है, बट उनमें एक कंडीशन मैंने दे दिया, अगर वह दोनों अभाज्य हो गई तो को हो गई। जिसने कहा कोई भी दो अभाज्य ले लो सबको हो जाएगी, बट इसने भी एक कंडीशन दे दिया भैया उनमें से उनको ले लो जिनके बीच का अंतर दो है तो हम पिन हो जाएंगे। यह तीन प्रकार की कंडीशन, तीन प्रकार की संख्याओं के नेचर से डेवलप होता है, बनकर हमारे सामने आता है। अब इन्हीं चीज को हम थोड़ा सा पहले और डिटेल करा दें। जैसे हमने आपको तीन बातें बताई, मैंने आपको रिलेटिव प्राइम बताया है, ध्यान रखना आप लोग हिंदी जानते हैं इसके, रिलेटिव प्राइम बताया है, मैंने आपको को प्राइम बताया है, मैंने आपको को प्राइम नंबर बताया है, मैंने आपको ट्विन प्राइम बताया है। तो मैं आपको थोड़ी सी बातें यहां पर समझाऊंगा तो काफी हद तक आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यहां पर सबसे पहले दिमाग में रखिए जो रिलेटिव प्राइम है और हम ऐसे कह दें जो को प्राइम है, सबके सब को प्राइम आपके रिलेटिव प्राइम होते हैं, आप कह दीजिए यस होते हैं, क्योंकि आप को प्राइम में क्या करते हैं, ऐसी दो संख्याएं लेते हैं जो अभाज्य होती हैं, उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। हम कह दें सभी को प्राइम रिलेटिव प्राइम होती है, सभी ट्विन प्राइम को प्राइम होती है, सभी ट्विन प्राइम को प्राइम होती है, आप कह दीजिए यस। इसका मतलब सभी ट्विन प्राइम रिलेटिव प्राइम होती है, हम कह रहे हैं यस बिल्कुल होती है भाई, आप सीधी सी बात है, अगर वह को प्राइम है तो इसका मतलब अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है और अभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता नहीं है तो सभी को प्राइम को रिलेटिव कह सकते हैं। सभी ट्विन प्राइम क्योंकि अभाज्य होते ही होते हैं इसलिए वो को हो सकती है, इसका मतलब वो रिलेटिव भी हो सकती है, बट क्या सभी रिलेटिव प्राइम को होती है, बिल्कुल नहीं। क्या सभी को प्राइम ट्विन होती है, कह दीजिए नहीं होती है। क्या रिलेटिव सभी जो है आपकी ट्विन होती है, तो आप कह दीजिए नहीं होती। तो यहां पर एक संबंध नजर आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ हमारे अगर इस सीक्वेंस में आप नंबर से या पेयर को नोट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे सभी के एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट नीचे से ऊपर की तरफ सभी के एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट किया जाता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप इसको सीखते हैं समझते हैं तो मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब समझ सकते हैं, अगर जिस तरह से आपको चीजें बताई जा रही हैं मुझे लगता है कि आप इस बातों को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या बातें आपको बता रहे हैं, और आप इस गंभीरता से इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करके अपनी कॉपी में चलिएगा। इस पर हम एक एग्जाम्पल एक सेट पेयर का भी करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने यहां पर बना रखा कुछ जोड़े और सामने लिखा है रिलेटिव को और ट्विन। अब आप बताइए जिसे मैंने लिखा एक और दो, एक और दो को प्राइम रिलेटिव तो है, क्या को प्राइम है, नहीं है, क्या ट्विन प्राइम है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि दो अभाज्य संख्या है, तो रिलेटिव तो हो गया क्योंकि इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई नहीं, लेकिन ना तो को प्राइम होगा क्योंकि दोनों अभाज्य नहीं है, जब अभाज्य दोनों नहीं है तो ट्विन का सवाल ही नहीं पैदा होता,
इसलिए आपको यह कह सकते हैं कि अगर वह रिलेटिव है तो जरूरी नहीं को हो, जरूरी जब को ही नहीं है तो ट्विन की कोई बात ही नहीं। दो साथ को मैंने देखा क्योंकि इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है इसलिए रिलेटिव है, दोनों अभाज्य संख्या है इसलिए को भी है, लेकिन क्या दोनों ट्विन है? नहीं, ट्विन तब होती जब इनके बीच अंतर दो का होता है, इनके बीच अंतर पांच का है इसलिए ट्विन नहीं। बट अगर पांच सात की बात करें, देखिए इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बिल्कुल नहीं है, एक के अलावा कोई नहीं, तो रिलेटिव हो गई। दोनों प्राइम नंबर है, यस, तो को प्राइम भी हो गई। दोनों के बीच अंतर दो का है, मतलब यस, ट्विन हो गया। तो हमने एक बात नोटिस किया, अगर कोई हमको जुड़वा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा देगा तो वह सह भी होगी और रिलेटिव भी होगी। बट अगर कोई हमको केवल रिलेटिव देगा तो वह जरूरी नहीं कि आपका को होगा और जरूरी नहीं कि वह आपका रिलेटिव होगा। यह बात यहां पर फैक्ट पर बनकर आती है। मुझे लगता है इस टेबल के माध्यम से आप इसकी गंभीरता को और अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, सारे फैक्ट्स को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अगर इतना क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, कुछ और चीजों पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने पहले से लिख रखा है, सम तथा विषम संख्याओं के बारे में, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय होता है जीरो के बारे में। हमारे दिमाग में होता है जीरो क्या है, हम सब जीरो को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक है, और जीरो को हम जीरो बटा कुछ भी करके डिनोट कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक सम संख्या। मैं इसको सिद्ध भी कर दूंगा, इस तरह से सिद्ध कर दूंगा, कुछ बातें हैं उन बातों को आप नोटिस करिएगा, तीन रूप में हम इसको दिखा रहे हैं। बातें कुछ ऐसी हैं कि अगर आप किन्हीं भी दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक सम संख्या आपको प्राप्त होगी। कभी भी आप दो सम संख्याओं को जोड़िए, हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। चाहे दो चार को जोड़िए, चार आठ को जोड़िए, आठ छह को जोड़िए, तो हमेशा एक सम संख्या आपको प्राप्त होगी। परंतु अगर हम दो विषम संख्याओं को भी जोड़ेंगे तो ऑड नंबर को, तब भी हमको एक सम ही संख्या प्राप्त होगी, तब भी हमको एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब अगर दो समान नेचर की संख्या है, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, अगर वह जोड़ी जाएंगी तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। परंतु अगर एक सम संख्या लेते हैं और दूसरी विषम संख्या लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी। आप जीरो को तीनों में रख करके देख सकते हैं, जीरो को आप इवन मानकर रख दीजिए, इस नियम के अलावा चेंज नहीं होगा। जैसे किसी सम संख्या को जीरो से जोड़िए, देखिए सम ही आएगा। किसी विषम संख्या को जीरो के साथ जोड़कर देखिए तो विषम ही आएगा। हम यही आपको बताना चाहते थे कि जीरो सम संख्या होती है, दो सम संख्याओं दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है, परंतु एक सम संख्या दूसरी विषम संख्या का जोड़ हमेशा विषम होता है। यह एक जानकारी आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में भी नजर आई। जैसे मैंने आपसे कहा है कि यह सब फैक्ट है, इस फैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, इस फैक्ट की उपयोगिता को हम तब समझ पाएंगे अच्छे से जब थोड़े से कुछ ऐसे टर्म को डिस्कस करें जो टर्म हमारी जानकारी के लिए अच्छे हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उस टर्म में रिस्पॉन्स करेंगे और आंसर देंगे, तो मैं ऐसे ही कुछ चीजें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं यस आर नो के माध्यम से। मैं कुछ स्टेटमेंट आपको दूंगा, आप उन स्टेटमेंट को देखिए, देख करके यस आर नो में डिस्कस करिए, आपको बताना है कि हाँ वो बात सही है कि गलत है। हम सही गलत को सिद्ध भी करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन आपको अपना अपना व्यू देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं इन्हीं से संबंधित, जो छोटे छोटे प्रश्न है, आपके प्रश्न नहीं है ये, आपके पॉइंट टू पॉइंट एक एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट सही भी लिखे गए हैं और गलत भी लिखे गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको सही गलत का चुनाव करना है और उसके स्पष्टीकरण को समझना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहां पर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक लाइन से, जो लाइन सिंपल से लिखी गई है, आप उसके बारे में अगर समझिए। जीरो एक सम संख्या है, मैं भी इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जीरो क्या है, तो मैं आपको बता दूं यस जीरो एक सम संख्या है। मैंने इसके बारे में जानकारी अभी आपको जस्ट दिया है, इसलिए बहुत डिटेल से आने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पष्ट हो गया कि जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक सम संख्या है, तो आप लोग इसको करके आगे बढ़िए। यस, जीरो को हम सम संख्या मानकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर हम किसी के साथ, किसी सम के साथ इसको जोड़ते हैं, जो जनरल नंबर सम होती है, हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। जबकि अगर इसको किसी विषम के साथ जोड़ते हैं तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो नियम पर भी यह एक सम संख्या का अप्रोच देता है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। एक सिंबल देखिए, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके दिमाग में
होगा और आता आना चाहिए प्रश्न आपके दिमाग में, पाई। हम सब पाई के बारे में बड़े हैबिचुअल हैं, पाई सिंबल हमने सुना है और हम पाई का प्रयोग भी करते हैं दो प्रकार से। एक होता है मेंसुरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर पाई का मान 22/7 यूज करते हैं और समटाइम्स पाई की वैल्यू 3.14 के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन पाई को हम कोण के रूप में भी मेजर करते हैं, कोण में हमने पाई को 180 डिग्री माना है, 180 डिग्री माना, तो हमें स्पष्ट नहीं हो पाता है सिंबल देखकर कि हम किस पाई की बात कर रहे हैं। हम पाई कोण की बात कर रहे हैं, हम पाई भिन्न की बात कर रहे हैं, मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। जब यह चीज स्पष्ट नहीं हो जाती है तो हम इसके बारे में आपको जानकारी एग्जैक्टली तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि यह नंबर बताया ना जाए। हाँ, किसी ने मुझे कह दिया भैया 22/7, हम कह देंगे परिमेय है, हम कहेंगे परिमेय है। किसी ने हमको 3.14 बोला, हम कहेंगे 314/100 है, यह भी एक परिमेय है, यह भी एक परिमेय है। अगर हमें किसी ने 180 डिग्री दिया, हम 180 डिग्री को क्या बताते हैं पता है? जैसे प्रतिशत में 50% होता है, जैसे प्रतिशत में 50% होता है वह 1/2 का रूप होता है, ऐसे किसी सेंट्रल एंगल में 180 डिग्री आधे का रूप होता है, वह भी 1/2 का ही पार्ट है। आप पाई चार्ट पढ़ेंगे बाद में, 180 डिग्री को 50% के रूप में भिन्न के 1/2 के रूप में नोटिस किया जाता है। 180 डिग्री को हम 1/2 कह सकते हैं भिन्न के रूप में, क्योंकि 180 डिग्री हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, कंप्लीट पूर्ण कोण का आधा भाग होता है। जैसे 100% कंप्लीट मान होता है, 50% उसका आधा होता है, उसी प्रकार से भी है। तो हम यहाँ पर इसको 1/2 अगर नोटिस कहीं हमको करने को मिला तो हम इसको परिमेय बोलेंगे। बट अगर हमें सिंबल दिया गया तो हम सिंबल देखकर कैसे जज कर पाएंगे कि वह 22/7 है, कि 3.14 है, कि वह 180 डिग्री है। इसलिए जब पाई दी जाएगी तो पाई को एक अपरिमेय संख्या ही बोला जाएगा, परिमेय नहीं बोला जाएगा। मतलब यह लाइन भी सही है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सिंबल के तौर पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप इसको नोट करके आगे बढ़िएगा। चलिए, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको देखिए, इस बात पर भी मैंने अभी अभी जिक्र ही किया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके बारे में आपको बहुत समय हम नहीं लेंगे, बस साफ साफ आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसमें कोई जानकारी या कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट खास नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसने पूछा है, साफ साफ हमने कहा भैया 2 होती है, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? 2 होती है। अब यहां पर देखिए, इस बारे में बताइए, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य संख्या तथा सम संख्या दोनों होती है। तो मुझे इस पर भी आपको बताने में कोई समस्या नहीं, वह संख्या 2 होती है। और आप सब लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं कि वह सबसे छोटी वह संख्या जो कि अभाज्य भी होती है और सम संख्या भी होती है, अभी मैंने डिस्कशन इस बारे में वो काफी हद तक किया, वह संख्या आपकी 2 ही होती है। तो 2 वह संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी होती है। आगे बढ़ेंगे, सभी वास्तविक संख्याएं, मैंने इसके बारे में अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाया कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय होती हैं। आप अगर यही चीज उल्टा कहे होते तो हम मान लेते, अगर आप कहे होते कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं तो हम मान लेते, बट सभी वास्तविक को, क्योंकि देखिए वास्तविक रियल है, उसके 2 भाग हैं, रैशनल, रैशनल को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, रैशनल और इरैशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय। तो आप परिमेय है तो वास्तविक है, बट वास्तविक है तो जरूरी नहीं कि सब परिमेय है, इसलिए यहां पर 9 हो जाएगा, यह बात सही नहीं है जो इन्होंने लाइन लिखी है, या स्टेटमेंट गलत है। तो मैं आपको कहूंगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, इसकी जानकारी भी ऑलरेडी मैंने दे रखा है। आगे बढ़ेंगे, अगली लाइन की बात करेंगे। अगली लाइन में देखिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। बताएं, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। इस बात को जब आप देखोगे तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 2 एक संख्या है जो कि सम है प्लस अभाज्य है। मैंने इस बारे में भी आपको जानकारी दी, यह सम है लेकिन क्या है? अभाज्य है। इसलिए इस लाइन को कहना, हाँ यहीं पर यह लिखा होता कि 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, भाज्य होती हैं, हम मान लेते, लेकिन 2 एक सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या होती है, इसलिए हम इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहां पर आप साफ साफ 9 लिख देंगे, नॉट गलत है। आगे बढ़ेंगे, सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। आप मुझे बताइए, ऐसा होता है क्या? मैंने अभी इस बारे में भी आपसे चर्चा की थी, सभी विषम संख्याओं को मैंने अभाज्य नहीं बोला था, मैंने कहा था भैया सभी अभाज्य
दो को छोड़कर के विषम होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। आप 9 को अभाज्य कहेंगे, 15 को अभाज्य कहेंगे, 21 को अभाज्य कहेंगे, नहीं कह सकते। इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत है। इसने लिखा है सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, हम इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें लिखा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अब आप इस पर भी हम आपसे कंट्राडिक्ट है, विरोधाभास है यहां पर भी, क्योंकि सभी अभाज्य को कैसे आप विषम कह सकते हैं। सभी अभाज्य में दो भी आता है जो कि एक सम संख्या होता है। देखिए यही सारी टेक्निकलिटी है, सभी अभाज्य में दो भी आता है जो कि एक सम संख्या होती है, तो आप सभी अभाज्य संख्याओं को विषम संख्या भी नहीं कह सकते। इसके लिए भी मैंने लिखा था दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। यह बात भी आपकी गलत हो गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अब बताएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अब आप मुझे बताइए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या, यस बिल्कुल होती हैं। आप देखिए हम लोग यहाँ पर इंटीजर लिखे थे, यहाँ पर हमने W लिखा था होल, यहाँ पर मैंने नेचुरल लिखा था। सभी प्राकृतिक पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती है, इसलिए इस स्टेटमेंट को ट्रू कह देंगे हम लोग। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में अगर आपने देखा होगा तो आपको अपरिमेय के बारे में, सॉरी इरेशनल या काल्पनिक संख्या, सॉरी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या की जानकारी दिया। मैंने कहा किसी ऋणात्मक संख्या के रूट को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्या को काल्पनिक बना देती है, परंतु यहां पर देखा जाए तो माइनस रूट के बाहर है ना कि रूट के अंदर है, माइनस रूट के बाहर है ना कि रूट के अंदर है, इसलिए यह काल्पनिक नहीं है, वह रियल है, वास्तविक है। अगर यही चीज यहां पर यह माइनस रूट के अंदर लगा होता तब जाकर के वह काल्पनिक हो पाता, इसलिए जबकि इसने ऐसा लिखा है कि यह एक काल्पनिक संख्या, तो हम कह रहे हैं गलत लिखा है इन्होंने। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यह एक काल्पनिक संख्या है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव होता तो जरूर हम कह देते कि वह एक काल्पनिक संख्या थी, अन्यथा यह एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। आप आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे। आई स्क्वायर अभी हमने डिस्कस किया था, कल ही मैंने आपको बताया था कि आई का मान क्या होता है। हमने कहा आई का मान अंडर रूट माइनस वन होता है। इसका मतलब जब आई स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा रूट के ऊपर वर्ग लगेगा, और रूट के ऊपर वर्ग लगते ही मान आपका माइनस वन हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं, आई स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना होगा, माइनस वन के बराबर होगा। आई स्क्वायर आपका माइनस वन हो गया। अगले टर्म पर, अगले शब्द पर बढ़ेंगे। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया, इस इंपॉर्टेंट शब्द को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। लिखा है एक बटा एक, जीरो बटा एक, एक बटा जीरो, जीरो बटा जीरो, सभी परिमेय संख्या होती है। यह आप देख करके तो बता देंगे कि सभी परिमेय नहीं हो रही, लेकिन उसका कारण देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूं कि क्या कारण हो सकता है, जो बातें यहां पर लिखी गई हैं उसको हम कैसे यहां पर जज करें, उससे समझे उसको। ध्यान दीजिएगा एक एक बात को हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं। जैसे हम कभी भी आपको भिन्न पढ़ाएंगे या आपको फ्रैक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं अंश बटा हर का रूप है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, अंश को हर से विभाजित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यही सिस्टम है, हम सबको अच्छी तरह से पता है। जैसे ही मैंने कहा आपसे, कभी भी हर टीचर आपको यही बताएंगे कि कभी भी किसी संख्या को अगर उसी संख्या से डिवाइड किया जाए, किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड किया जाए तो मान हमेशा एक होता है। आप एक ही राशि को, जैसे एक करोड़ की राशि एक लोगों में, एक करोड़ में बांटो, एक ही रुपया तो सबको मिलेगा। मेरे पास अगर पांच है तो पांच में बांटेंगे तो सबको एक मिलेगा। माइनस एक है, माइनस एक सौ, माइनस एक को डिवाइड करो एक मिलेगा। जब किसी मान को, भिन्न में हमेशा यह बताया जाता है, अगर हम उसी को उसी से डिवाइड करें तो मान हमेशा एक आएगा। इसका मतलब इसका मान एक हो गया। यह एक फैक्ट है मैथ का कि आप उसी को उसी से डिवाइड करेंगे एक ही आएगा। बट अगर हम क्या, हमको कहा जाए कि जीरो बटा एक, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, हम आपसे कहेंगे अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, जीरो की प्रॉपर्टी, और मैं डिवीजन करना चाहता हूं कुछ लोगों में, तो जीरो की प्रॉपर्टी का डिवीजन अगर आप कुछ लोगों में, क्या सौ लोगों में, हजार लोगों में, जितने भी लोगों में करेंगे, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन सबको कितना प्रोवाइड करेंगे बताइए। सबको आप जीरो ही प्रोवाइड करेंगे। सबको कितना प्रोवाइड करेंगे, जीरो ही प्रोवाइड करेंगे। क्यों? जब आपके पास कोई अमाउंट है ही नहीं है, आप लिखने को तो बहुत लोगों को डिवीजन करने की बात कर दिए, तो लेकिन डिवीजन के दौरान आप सबको शून्य ही प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे मान हमेशा शून्य आएगा। तो जीरो बटा एक आपका शून्य हो गया।
अब आता है 1/0। 1/0 की अगर मैं बात करूं, देखिए अब मेरे पास अगर मान लीजिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और उसको मैं बांटना तो चाह रहा था, लेकिन मैंने जो जिस लोगों का चुनाव किया उनकी संख्या शून्य है, मतलब मैं शून्य लोगों में बांट रहा था उस प्रॉपर्टी को। जैसे ही आप कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी अगर आप शून्य लोगों में बांटेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कभी हो ही नहीं पाएगा, वह प्रॉपर्टी कभी भी पूर्णता बटेगी ही नहीं। अगर नहीं बटेगी तो वह प्रॉपर्टी अनंत तक चलती रहेगी, अनडिफाइंड बनी रहेगी। इनफाइनाइट उत्तर आ जाता है, अपरिभाषित इसको हम कह सकते हैं। मतलब अपरिभाषित होता है समथिंग अपॉन जीरो, जैसे हम कहते हैं जीरो अपॉन समथिंग ऑलवेज जीरो, और वन अपॉन समथिंग, या हम कहते हैं समथिंग अपॉन जीरो विल ऑलवेज इनफाइनाइट। इन तीन बातों को देख करके हमको अगर एक टीचर समझाएंगे तो हमसे क्या क्या कहेंगे, कहेंगे यार देखना जब भी भिन्न में ऊपर नीचे सेम देखना एक बता देना, ठीक है। फिर कहेंगे कि नीचे मत देखना, अगर ऊपर ही तुम्हें जीरो दिख गया तो हम इसको जीरो बता दें। ऐसे हमको टीचर एक समझा रहे हैं, कह रहे भैया आप ऐसे करना है, जैसे ही अगर आपको नीचे हर में कुछ भी दिखे उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हर बिल्कुल ध्यान ही मत देना, अंश में अगर हमको जीरो दिखा तो मान जीरो बता देंगे। फिर एक किसी टीचर ने हमको बताया कि आप नीचे देखो, अगर नीचे आपको जीरो दिख गया ऊपर चाहे जो भी दिख जाए आप उसको अनडिफाइंड या अपरिभाषित बता दीजिए। अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर आया कि हम इसको क्या कहें, जीरो अपॉन जीरो। तो इसको देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मुझे एक टीचर ने बताया है कि दोनों अगर ऊपर नीचे समान है तो मान को एक लिखा जाता है, तो मैंने एक लिख दिया। भाई ऊपर नीचे हमने समान देखा, भाई मैं क्या, मुझे जो बताया जाएगा वही मैं जानूंगा, मुझे यही बताया गया कि ऊपर नीचे सेम देखिए तो एक लिखिए, मैंने वही लिख दिया। फिर किसी ने हमको ये भी बताया था कि आप नीचे मत देखना, केवल ऊपर अगर शून्य दिख जाए तो इसका मान शून्य लिख देना, तो मैंने शून्य भी लिख दिया। फिर हमें किसी टीचर ने समझाया था, मैं उनकी भी तो आज्ञा का पालन करूंगा, उन्होंने हमसे कहा था यार ऊपर मत देखना, नीचे जीरो दिख जाए तो अनडिफाइंड कर देना, इनफाइनाइट बता देना। अब जब हम एक ही समीकरण के तीन आंसर देंगे तो हम किसको सही मानेंगे, ऐसी स्थिति आपके सामने अगर आए इसका मान हम क्या बताएं, तो हम कह देंगे इसका मान हम तीनों में से कोई नहीं ले सकते, इसका मान होता अनसर्टेन, इसका मान होता अनसर्टेन, जो कि होता अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित, इसका मान होता अनिश्चित। अब अनिश्चित का मतलब होता है आप श्योर ही नहीं। अगर आपने ट्वेल्थ में मैथ पढ़ी तो कुछ लोग जानते होंगे, एक होता था इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। इनडिटर्मिनेट में होता था जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, वन अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इस तरह के फॉर्म आपने पढ़े होंगे अगर सुना होगा, जहां पे जिस फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता था, याद होगा अगर तो चीजें अगर पता होगी तो हम लोग जरूर इस बात को जानते होंगे। अनिश्चित रूप होता है किसी भिन्न का, अनिश्चित रूप का मतलब हम इस बात को श्योर नहीं कि इसका उत्तर एक होगा कि जीरो होगा कि अनडिफाइंड होगा। हालांकि इसमें कोई कंपेयर करेगा कि इसका भी अनडिफाइंड होगा तो मैं कह दूं भैया इसमें अनडिफाइंड है, आप श्योर हैं कि मान हम नहीं ज्ञात कर सकते, इसमें तो हम श्योर ही नहीं है कि हम मान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, आप इसका मान सोच ही नहीं सकते। इस तरह से हालांकि हम इस बात का, इस लाइन का उत्तर पहले भी दे चुके हैं कि सभी परिमेय नहीं होंगी, यह आंसर गलत है इसका, क्योंकि यह परिमेय है, यह भी परिमेय है, लेकिन ना तो यह परिमेय है ना तो यह परिमेय है, दो परिमेय थी, सब परिमेय नहीं थी, इसलिए हम इसको नो कह रहे हैं। तो लाइन अलग चीज थी, यहाँ पर जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग, इस तरह की बातें अगर हमसे कभी डिस्कस हो तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी आए या ना आए एग्जाम में, एटलीस्ट हमारे पास इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक देखिए एक नया शब्द मिला। देखिए हमसे पूछा गया कि रूट चार गुणे सोलह एक परिमेय संख्या है, तो चार का मान आपको पता है वर्गमूल करेंगे दो आएगा, आठ के लिए आपको, सोलह के लिए आपको चार मिलेगा, दो गुणे चार करेंगे तो आठ, वैसे भी सोलह चौके चौसठ, चौसठ का वर्गमूल आठ होता है, आठ एक परिमेय संख्या है, तो कहिए यस एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यस। आप लोग बता सकते हैं उत्तर जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके, आठ एक परिमेय संख्या, आठ इसका मान हो रहा है जो कि एक परिमेय संख्या होती है। जीरो के बारे में फिर से एक डिस्कशन किया गया, जीरो एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, जीरो अपॉन समथिंग विल ऑलवेज जीरो, और जीरो विल ऑलवेज अ इंटीजर, इसको आप पूर्णांक भी कह सकते हैं, इसको आप परिमेय संख्या कहेंगे या परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समथिंग, अब देखिए किसी के नीचे अगर जीरो होता है तो परिमेय नहीं होता है, लेकिन अगर जीरो किसी के ऊपर होता है, नीचे कोई मान हो सकता है, तो वह हमेशा परिमेय होता है। जीरो को एक परिमेय संख्या बोला जाता है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी आपका गलत है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए सभी सम तथा विषम संख्याओं का योग, अब इस बारे में भी डिस्कशन हम थोड़ी देर पहले किए थे, सभी सम तथा विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होती है, आपने अभी पढ़ा इवन प्लस ऑड,
विल ऑलवेज बी ऑड, हमेशा ऑड होता है। सम तथा विषम संख्याओं का योगफल हमेशा ऑड नंबर होता है, एक विषम संख्या होती है। यह स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है या सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। यह आपका द एंड हुआ। मुझे लगता है जो मैंने आपको बातें बताई, जितना अभी तक आपको मैंने कराया, वह आपको गहनता से आपने सीखा होगा और जहन में उतारा होगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। सिक्वेंशियल क्लासेस रहेंगी, इसके बाद के टॉपिक को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी नंबर सिस्टम के अगले अप्रोच को लेकर के, जिसका उद्देश्य वही रहेगा जो अभी इसका था, कि आपको चीजें समझ में आए, आप उसके लेवल के प्रश्नों को समझ पाए और उस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में अच्छी तरह से अप्लाई कर सके। आज एक बहुत खास दिन आप लोग के लिए होना चाहिए। यह साल जो नया साल आपको आज मिला है, इस साल का यूज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग इस साल में बहुत ही बेहतर अंजाम देंगे। हम आप सब लोग इस साल को बहुत अच्छे से अचीव करेंगे, इस साल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। नया साल ढेर सारी शुभकामनाएं, खुशियां लेकर आपके सामने आए, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने संस्थान की तरफ से, रवि सर की तरफ से, आलोक सर की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से मैं आप सभी लोग को प्रेषित करता हूं इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग खुश रहेंगे, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। एक बार सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाओं के साथ, नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आज इस क्लास की समाप्ति करता हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद।